मिर्जापुर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज तहसील लालगंज में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय से बुलाए गए बच्चों को जिलाधिकारी मिर्जापुर दिव्या मित्तल व मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस ने पौधा वितरण किया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया तहसील दिवस के बाद तहसील में ही, क्या उद्देश्य रहा? देखिए इस वक्त हमारा पूरे प्रदेश में विशेष वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 35 करोड़ पौधे हम लोगों को रोपित करने हैं। उसी के क्रम में जनपद मिर्ज़ापुर में भी अभी तक 8000 पौधे हम लोग बच्चों को और अन्य ग्रामीणों को वितरित कर चुके हैं। अपना लक्ष्य तो हम अलग से पूरा कर ही रहे हैं, जो 88 लाख का हमारा लक्ष्य है वृक्षारोपण का। तो आज भी हमारे द्वारा बच्चों को 150 पौधे वितरित किए जाने हैं, जिसमें से कुछ पौधे अभी 50 के लगभग मैंने वितरित किए हैं और हमारे यहाँ पे उपस्थित अधिकारियों ने। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को विशेष तौर से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि वृक्षारोपण कभी भी एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में सफल नहीं हो सकता। जब तक बच्चे, हमारी नई पीढ़ी उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो जो पेड़ हम लगा रहे हैं ना उनकी रक्षा होगी और ना आगे जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो यही सीख हम चाहते हैं कि बच्चे अपने अंदर लाएं, उसी के लिए कार्यक्रम किया। मैं ज्यादातर देखा जाता है पेड़ लगा के हैं कि बाद उसकी देखभाल नहीं होती, इस वजह से ज्यादा पेड़ सूख जाते हैं, इसके लिए क्या आगे किया जाएगा? देखिए इस बार हमारा ये प्रयास रहा है कि ज़्यादातर पेड़ हमने वहाँ लगाए हैं जैसे जंगल क्षेत्र है, जहाँ पे फॉरेस्ट की अपनी ज़मीनें हैं, या फिर गांव में भी ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ पे इकट्ठा पौधों को रोपण करके एक वाटिका के जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पौधे अभी हमने दिए उसमें ज़्यादातर फलदार वृक्ष है, जिसका व्यक्ति का सुरक्षा करने का अपने आप ही उसका एक उसमें इंसेंटिव रहता है। तो प्रयास ये है कि देखिए पौधे बचे, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक लोग सब इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनका एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, तब तक केवल वन विभाग या केवल प्रशासन इसको नहीं कर सकता। लोग जुड़े, पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। थैंक यू।